हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्यूटर एरा मैं कैलाश आप मेरे साथ सीखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल ट्यूटोरियल दोस्तों हम पिछले क्लास में सीखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम सीखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कंप्यूटर यूनिट में मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है सी तो चलिए हम सी के बारे में डिटेल में जानेंगे सीपीयू इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे हम ब्रेन अप कंप्यूटर भी बोलते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो भी मेजर डिसीजन होता है वो ब्रेन लेता है बॉडी पार्ट्स उसी डायरेक्शन में काम करते हैं जो जो भी ब्रेन उनको इंस्ट्रक्शन देता है ठीक उसी तरह कंप्यूटर यूनिट में जितने भी मेजर डिसीजन कंपेरिजन मैनिपुलेशन है वो सी के जरिए होता है और सीपी डिफरेंट कंट्रोल कंप्यूटर यूनिट को भी कंट्रोल करता है दे आर थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ सी पी यू फर्स्ट वन एल यू सेकेंड वन सी यू एंड थर्ड वन मेमोरी यूनिट हम एक के बाद एक बारीकी में जानते जाएंगे तो फर्स्ट हम जानेंगे एल यू के बारे में ए एल यू का फुल फॉर्म है एरथमेट्रिक लॉजिक यूनिट जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो सभी ट्रांसफोर्ट हो जाता है एएल में जितने भी कैलकुलेशन कंपेरिजन मैनिपुलेशन है वो सभी को ए करता है तो अभी हम जाने ए के बारे में नेक्स्ट हम जानेंगे सी के बारे में इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन है कंप्यूटर यूनिट में वो सभी को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट नेक्स्ट हम जानेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में मेमोरी यूनिट एक एसेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें जो भी हम डाटा इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं वो सब क्या होता है मेमोरी यूनिट जाके स्टोर होके रह जाता है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट हो गया सेकेंडरी मेमोरी दूसरा हो गया प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी तो एक के बाद हम डिटेल में जाएंगे फर्स्ट हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सेकेंडरी मेमोरी में डाटा परमानेंटली स्टोर होकर रहता है इविन हम पावर को बंद कर देने से भी डाटा लॉस्ट होने का कोई चांस रहता नहीं है वो तो परमानेंटली डाटा स्टोर करके रखता है इसलिए हम इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल डिस्क हार्ड डिस्क जिप डिस्क मैग्नेटिक डिस्क एटसेट्रा ये सब एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है नेक्स्ट हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है दोस्तों जितने भी डाटा हैं वो सब टेम्परारी स्टोर होकर रहता है हम जितने टाइम पावर ऑन करके रखते हैं उतना टाइम डाटा स्टोर होकर रहता है हम जब पावर ऑफ कर लेते हैं तो डाटा लॉस्ट हो जाता है डिलीट हो जाता है इसलिए हम इसे टेम्परारी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल रैम रोम रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एस मेमोरी रोम का फुल हो गया रीड ओनली मेमोरी हम एक सेपरेट क्लास में रैम एंड रोम बारे में डिटेल में जानेंगे आज हम सीखे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें ताकि आपके दोस्त घर बैठे आराम से सीख सकें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में दोस्तों आपका कुछ सवाल हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कीप वॉचिंग ट्यूटर